मैंने पहले भी बताया कि नेशनल लेवल पे यानी बिल्कुल नीट पैटर्न पे बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर हम PWNSAT की बात करें यानी जो फिजिक्स वाला का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, करना कुछ नहीं है, सिंपल है। आप अभी भी अगर इनरोल नहीं किए तो काइज कर लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा यानी लेंदी सा नहीं है। आपको सिंपल स्टेप में आप अपने सिंपल मोबाइल से भी इसमें इस स्कॉलरशिप के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग अपने सुविधा अनुसार ऑनलाइन टेस्ट है तो ऑनलाइन आप दे सकते हैं। एग्जाम का डेट भी आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं कि कब आपको देना है। सिंपल है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, सिंपली आपको नाम फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर, कोई भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो फिल करना होगा। आपको क्लास पूछा जाएगा यानी कौन सा डिपार्टमेंट है वो पूछा जाएगा, यानी कि नीट है या फिर JEE, क्योंकि आपको पता है कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को वो भी बच्चे दे सकते हैं यानी जो फाउंडेशन है 6 से 12 तक, IIT, JEE और नीट के जो एस्पिरेंट है वो भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए वैलिड है यानी एलिजिबल है, यानी इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर नेम पूछा जाएगा और इसे फिल करके आप अपने अनुसार उस स्कॉलरशिप के लिए खुद को रजिस्टर कर लेना। सिंपल स्टेप है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, उसमें इंस्ट्रक्शन, जैसे आप फिल कर लोगे इतना कुछ तो एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसमें नीचे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। लाइक कि अगर जब आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम को दे रहे होंगे, ये तो एक प्रोसेस था कि आपको रजिस्टर कर लेना है, सिंपल स्टेप था। इसीलिए अब बात करते हैं, अगर आप कर लेंगे और जब टेस्ट देंगे उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन है। पहला है कि आप उसमें और कोई टैब मत खोलने की कोशिश करना, यानी ऐसा नहीं कि थोड़ा सा होता है ना तो वो नहीं करना, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, तो ऐसे में आपको चीज़ें आती हुई भी आप नहीं उसे कर पाओगे। तो उससे पहले आप कोई भी टैब और ओपन मत करना, नहीं तो ऑटो सबमिट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है उसमें इंस्ट्रक्शन में। तो आप कोई एडमिट कार्ड में ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आप वहाँ पे पढ़ लेना जो भी इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जो होप सो कि आप रजिस्टर कर लोगे, नो मैटर कि आप कितना प्रिपरेशन है, बट आप करना, इससे आपको एक आइडिया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है और वो जो फियर ऑफ टेस्ट होता है ना उस चीज से भी आप ओवरकम कर पाओगे, यानी ये हेल्प करेगा आपको ओवरकम होने में। थैंक यू।